दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो है मुंबई शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और यहां से लोकल गाड़ियों का, जो उपनगरीय गाड़ियां हैं उनकी और मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, दोनों का संचालन किया जाता है। और ये सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग, उसका मुख्यालय है ये। और इसके पूर्व दिशा में बना है दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का स्टेशन, जो कि 1887 ईस्वी में बनाया गया था। और ये गोथिक शैली में बनाया हुआ बहुत ही भव्य स्टेशन है ये। तो दोस्तों अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं मरीन लाइंस और वहाँ पे दिखाएंगे समुद्र का नज़ारा। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है मरीन लाइंस स्टेशन और यहाँ से अब आपको ले चलते। तो दोस्तों ये जो स्टेशन है मरीन लाइंस, वह पश्चिम रेलवे का स्टेशन है। अगर आप जब कभी पश्चिम रेलवे से आएँ तो मरीन ड्राइव जाने के लिए आप यहाँ मरीन लाइंस स्टेशन पे उतर सकते हैं और आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मरीन लाइंस और ये है खूबसूरत मरीन ड्राइव। दोस्तों इस मरीन ड्राइव का एक पुराना नाम भी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हों, और उसका नाम है सोनापुर। जी हाँ दोस्तों, सोनापुर इसका बहुत पुराना नाम है। और ये जो इसके बगल में जो सड़क बनी हुई है वो 6 लेन सड़क है, ये तो फ्लाईओवर है जो कि CST की ओर जाता है। और ये खूबसूरत मरीन ड्राइव दोस्तों, ये जो सड़क है वो 6 लेन की सड़क है और इसका एक नाम है, वर्तमान में जो नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये जो सामने आप निर्माण कार्य देख रहे हैं दोस्तों, वह मुंबई कोस्टल रोड है जो कि यहाँ से बन करके आप कांदिवली तक जाता है और 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं इस मरीन ड्राइव के विषय में कुछ। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने इस मरीन ड्राइव को बनाने की योजना उन्नीसवीं शताब्दी में शुरुआत किया था। किसी कारणवश यह एक पुनर्ग्रहण परियोजना थी और यह फेल हो गई थी उस समय। तो बताते हैं कि ये जो रोड है वो 1920 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी ये अरब सागर के किनारे बना हुआ यह रोड, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस योजना को, इस सड़क को बनाने का जो, और ये जो देख रहे हैं वो खूबसूरत बिल्डिंग है, उड़ते हुए पंछी। और यहीं तो मैं बता रहा था दोस्तों कि शुरू में ये जो योजना बनाई गई थी समुद्र किनारे किनारे इस रोड को एक अलग ही तरह से, जिसकी योजना थी 1500 एकड़ में बनाने की कुछ योजना थी उस समय, जिसे सिर्फ 440 एकड़ में बनाने की लिए ज़मीन अनुमति प्रदान किया गया था। और उसमें से भी बाद में आगे चल करके सेना ने 235 एकड़ ज़मीन अपने पास रख लिया, फिर अन्य कामों में उपयोग हुआ। और बची हुई जो 17 एकड़ ज़मीन थी उस पर जो है कि ये मरीन ड्राइव का ये जो रोड आप देख रहे हैं 6 लेन की 3.5 किलोमीटर लंबी रोड, वो बनाया गया। और अब उस समय वर्तमान में इसके बगल से जाती हुई कोस्टल रोड परियोजना है जो कि कांदिवली तक चलेगी। तो दोस्तों ये जो नरीमन ड्राइव है वो नरीमन पॉइंट से सोसाइटी लाइब्रेरी, मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से होते हुए गिरगांव चौपाटी होते हुए ये जो सड़क है वो मालवार हिल तक जाती है, उसको जोड़ती है। और ये दोस्तों शाम के समय जब इस पे इस सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं ऊंची ऊंची सुंदर सी, जब शाम के समय ये लाइटें जलती हैं तो ये सी आकार में बना हुआ रोड है ये दोस्तों। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ये रानी के गले का हार है, इसीलिए उसका एक नाम भी है कि इस सड़क का एक नाम है क्विनलिकनेस।
तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर होता है। यहाँ पे जो भी मुंबई शहर घूमने के लिए आते हैं पर्यटक, यहाँ ज़रूर आते हैं। ऊंची ऊंची लहरें अरब सागर की उठती हुई यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। ये देखो लहरें आ रही हैं जा रही हैं, चट्टानों से टकरा रही हैं। तो दोस्तों मैं रामलाल आज आपको इन्हीं अरब सागर की ऊंची ऊंची उठती हुई लहरों के साथ छोड़े चलता हूँ। तो दोस्तों यदि आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना शेयर करना ही मेरे उत्साह को बढ़ावा देगा। और दोस्तों लोकगीतों के लिए मेरे लोकगीत का चैनल आवाहन ज़रूर सुने। और इन ये खूबसूरत दृश्य तो दोस्तों ये खूबसूरत लहरें देखिए कैसे चट्टानों से टकरा करके वापस जा रहे हैं, पुनः समुद्र की ओर चली जा रही हैं। और ये दूर तक विहंगम दृश्य, खूबसूरत दृश्य, आसमान में बादल छाए हुए हैं और लहरें समुद्र के तट पे तेजी के साथ आ रही हैं जा रही हैं। और ये देखिए दूर तक फैला हुआ मैरिन ड्राइव, और उसके उस तरफ दोस्तों आता है नरीमन पॉइंट, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आपके दोस्त रामलाल का प्यार भरा नमस्कार, फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।